राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक है। ये यादव बहुल इलाका है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा यहां से हर बार यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में पहली बार गैर यादव उम्मीदवार खड़ा किया। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। उनके मुकाबले भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं, जो इस संसदीय सीट से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर विजय हुए थे। 2014 में मोदी लहर से पहले राव इंद्रजीत सिंह पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2014 और 2019 में भी वो इसी सीट से जीतने में कामयाब रहे। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को गुरुग्राम से सटे मेवात के नूह में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने उन पर निशाना साधते हुए कहा, राजा स्वार्थी हो गया है। उन्होंने कहा, राजा कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा ज्वाइन करता है, लेकिन इस बार उनका ये तिगड़ाम काम नहीं करने वाला। आपको बता दें कि मंगलवार को बब्बर मुस्लिम बहुल नूह में चुनाव प्रचार करने आए थे। वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। अपने स्वागत से गदगद बब्बर ने फिल्मी गीत से उन्हें संबोधित किया। सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म गबन के गीत ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों से अपने भाषण की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और मम्मन खान उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की कि 10 सालों के शासन काल में भाजपा ने मेवात को ना तो रेल ट्रैक दिया ना ही मेट्रो रेल से जोड़ा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर मेवात की सूरत बदलने की कसम खाएं। बब्बर ने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी और मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन्हें नूह के मतदाताओं की परवाह नहीं है, नूह मुस्लिम बहुल इलाका है। उन्होंने कहा, उन्हें आपकी परवाह नहीं है, मुझे आप सबों की चिंता है। आप मुझे एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ उपलब्ध करा दे ताकि आपके बीच रह सकूं और आपके सुख दुख का साथी बन सकूं। बब्बर ने मंगलवार को नूह से कांग्रेस के पुराने जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, चाहे कोई भी धर्म हो या जाति, बस याद रखें, ये हाथ हमेशा आपके समर्थन में रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।